आज 23 सितंबर 2020, आज ही के दिन 23 सितंबर सन 1908 ईस्वी में महान राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के सिमरिया ग्राम में हुआ था। राष्ट्र प्रेम से संबंधित कविताएं लिखने के कारण आपको राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त है। आपकी रचनाएं राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत हैं। आपकी रचना उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया है। 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में इस महान कवि का निधन हो गया। कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक भाषा मंजरी में इनकी एक प्रसिद्ध कविता है, कलम या की तलवार। इस कविता का आज हम लोग वाचन करेंगे। इस कविता में कलम मन के ऊंचे भावों का प्रतीक है और तलवार तन की शक्ति का प्रतीक है। इस कविता में कवि ने कलम को तलवार से ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया है। कलम या की तलवार। दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या की तलवार। मन में ऊंचे भाव की तन में शक्ति विजय अपार। अंध कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर का मैदान। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल की नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। पैदा कर दी कलम विचारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे। लहू गरम करने को रखो मन में ज्वलित विचार, हिंस्र जीव से बचने को चाहिए किंतु तलवार। एक भेद है और वहां निर्भय होते नर नारी, कलम उगलती आग जहां अक्षर बनते चिंगारी। जहां मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले, बादल में बिजली होती होते दिमाग में गोले। जहां पालते लोग लहू में हाला हाल की धार, क्या चिंता वहां हाथ में नहीं हुई तलवार।